हे गाइस, मैं उस दोस्तों यूडियन में से सुना बताया था नगरवली दमोदी में बहुत बहुत सारी वैकेंसी आई है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/9/2023 को रिलीज़ हुई है। सेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन एंड डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन, ये हमारी गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने वैकेंसी जारी की है। ये दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये आपको स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन का है, दादा नगरवली दमोदी में। सेट मिशन कोऑर्डिनेटर की एक 50,000 सैलरी रहेगी, एक पोस्ट है 45 ईयर और उसके नीचे होना चाहिए, दोनों क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जेंडर स्पेशलिस्ट की 34,000 सैलरी रहेगी, टू पोस्ट है 40 ईयर और उसके नीचे होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, दोनों होना चाहिए। रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट की 25,000 सैलरी है, टू पोस्ट है 45 ईयर उसके नीचे कम होना चाहिए, दोनों क्वालिफिकेशन में कंपलसरी है। अकाउंटेंट असिस्टेंट की 28,000 सैलरी है, वन पोस्ट है 45 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, दोनों क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज की 15,000 सैलरी, एक पोस्ट है 45 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। MTS की 12,000 सैलरी है, वन पोस्ट है 35 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसके बाद में है ना डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन फॉर ये DHEW फॉर दादरा डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन का है दोस्तों। इसमें डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर की 36,000 सैलरी है, ये डिस्ट्रिक्ट में मिशन कोऑर्डिनेटर की 36,000 सैलरी रहेगी, वन पोस्ट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट की है, 45 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, दोनों क्वालिफिकेशन मैडेटरी है। जेंडर स्पेशलिस्ट की 27,000 सैलरी है, टू पोस्ट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट, 45 और इसके कम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी की 22,000 सैलरी है, वन पोस्ट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट की है, 45 और उसके नीचे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है दोस्तों। इसके बाद में है ना अकाउंटेंट असिस्टेंट की 20,000 सैलरी है, वन पोस्ट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट की है, 45 और उसके नीचे होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। DEO फॉर PMMBY वर्क का 12,000 सैलरी है, वन पोस्ट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट, 245 ईयर उसके कम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। MTS की 11,000 सैलरी, वन पोस्ट फॉर इच डिस्ट्रिक्ट, 35 ईयर उसके कम होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है दोस्तों। आपको है ना आपको बायोडाटा और रिज्यूम प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फोटो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, सेल्फ अटेस्ट सेट फोटो कॉपी, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की आपको सब अटैच करना है नीचे दिए फॉर्म भर के और साइन करके। आपको RPID बाय RPID बाय कोरियर और बाय हैंड को है ना 29/2023 से पहले सील कवर में आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ये बतानी है और ये डिपार्टमेंट का नाम लिखना है यहाँ पे, तब तो आपको फोन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगी, वहाँ भेजना है, फॉरवर्ड करना है। एज रिलेक्सेशन यूटी एडमिशन ऑफ दादा नगर वाली दंपतियों के हिसाब से नॉम्स के हिसाब से मिलेगी। एलिजिबल कैंडिडेट को फॉर्म करना है टेलीफोनिक, SMS और ईमेल, और एक से ज़्यादा कैटेगरी से आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको सेपरेट फॉर्म भरनी है। इसमें बाद में डिपार्टमेंट के पास राइट टू कैंसिल करने की राइट है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। द डिपार्टमेंट टाइपिंग टेस्ट लेगा, ये वाला सीरियल नंबर एप्लीकेंट्स, ये आपको डॉक्यूमेंट सही आइडेंटिटी प्रूफ सब सबमिट करनी है दोस्तों। आपको है ना ये नीचे दिए गए ये दोस्तों आपको है ना फॉर्म फॉरवर्ड करनी है। इनवेलॉप में आपको अपना रिज्यूम और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटैच करके साइन करके आपको यहाँ पे RPID बाय RPID बाय कोरियर और बाय हैंड 29/2023 को से पहले आपको भेजनी है ये वाले पोस्ट पे, ये एड्रेस पे, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। तो उससे इसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में और जो भी क्वेरी आप डिस्क्रिप्शन में रख सकते हैं। इस तरीके का फिजिकल टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट, सब मैं ही अपडेट देता हूँ और इसके रिलेटेड और भी वैकेंसी जो अपडेट होती है वो सब मैं अपडेट देता हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे मेरे चैनल